हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि हमें सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, पर दोस्तों क्या आपने ये सोचा है कि क्या सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है, और अगर नहीं तो फिर हमें विटामिन डी कैसे मिलता है। दोस्तों, आपके इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी में यूवी रेज होते हैं, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। तो दोस्तों, जैसे ये यूवी रेज हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो हमारी स्किन में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है। तो दोस्तों, ये मेलानिन पिगमेंट यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और दोस्तों बॉडी के अंदर जाने के बाद ये यूवी रेज लीवर में जाकर, जैसा कि हम जानते हैं कि लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल फैट होता है, तो दोस्तों ये यूवी रेज कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं, फिर यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। दोस्तों, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। जी हाँ दोस्तों, और यही है विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कोलेकैल्सिफेरॉल। और दोस्तों, यहाँ से विटामिन डी बनने के बाद ये हमारी किडनी में जाता है, जहाँ पर हमें एक्टिव विटामिन डी मिलता है। और दोस्तों, ये ही है एक्टिव विटामिन डी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि हमें विटामिन डी कैसे मिलता है, पर दोस्तों ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि लो इम्यूनिटी, डिप्रेशन, और दोस्तों आजकल के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल। जी हाँ दोस्तों, हेयर फॉल हमें विटामिन डी की कमी से ही होता है। और दोस्तों, अगर डेफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही है तो रिकेट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, रिकेट्स में जो हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। सनचार्ज्ड वाटर, जी हाँ दोस्तों, मतलब कि एक कांच के ग्लास में या फिर घड़े में हम पानी भर दें और उसको हम सूरज की रोशनी के सामने रख दें 5 से 8 घंटे के लिए, और दिन भर हम इसी का पानी पिएं, तो दोस्तों इससे भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, हमें अपनी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें रोज़ सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने घर के अंदर बैठे हैं और सामने वाली विंडो से सनलाइट मिल रही है, तो दोस्तों हम ये बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उस विंडो में जो ग्लास लगा हुआ वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे पास आने ही नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।